अम्मा। हाँ एनी, क्या बात है? अम्मा मैं बहुत देर से आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। बहुत दफा बात करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई, कुछ खौफ की वजह से और कुछ मजबूरियों की वजह से। ऐनी पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? तुम्हें पता है कि मैं सीधी बात करने की आदी हूं। साफ साफ बोलो, क्या बात है? मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने नौकरी करनी है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपने खानदान का ख्याल रखना है, और ये सब कुछ करते हुए मैं शायद ये भूल गई कि मैंने अपना भी ख्याल करना है। जब शावेज मेरी जिंदगी में आए तो उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अपने बारे में सोचना भी जरूरी है। जब आपने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी शादी ही नहीं करना चाहते। आपके उस फैसले के बाद शावेज और मैंने निकाह कर लिया। अम्मा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों बहुत मजबूर थे। मजबूर? चोरों की तरह छुपकर शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी? जी अम्मा, मजबूरी थी। मैं और क्या करती? मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कुछ अरमान थे, ख्वाहिशात थी, जिनको आपने कभी समझने की कोशिश तक नहीं की। तो इसका यह मतलब था कि तुम मुझे बताए बगैर शादी कर लो? तो फिर मैं क्या करती अम्मा? आप ही बताएं मैं क्या करती? सारी जिंदगी तन्हा गुजार देती। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर होता, शौहर, बच्चे होते। जब मैं इस्लामाबाद एक साल के ट्रेनिंग कोर्स पे गई थी, उसी दौरान हमारी बेटी आर्या पैदा हुई। अम्मा, मैं आपको नहीं बता सकी। सच पूछे तो मैं डर गई थी कि इतने सालों की बनी हुई इज्जत खाक में मिल जाएगी, और इसी खौफ की वजह से इतना अरसा मैंने अपने शौहर और अपनी बेटी को अपने से दूर रखा।